अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये लाहौरी अप 2020 में एक दफा फिर खुश आमदीद। लाहौरी अप 2020 आपके साथ बिजनेस के रिलेटेड जितने भी आइडियाज हैं वो शेयर करता है। हम आप लोगों को गाइड करते हैं किस तरह आप लोग अपना ओन बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों से हमारी एक ही गुजारिश, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो दोस्त अहबाब जो बिजनेस के रिलेटेड आइडियाज चाहते हैं वो हमारे आइडियाज के ऊपर अमल करें और अपना जो ओन बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकें। बच्चों की स्टडी के हवाले से अगर कोई भी बिजनेस आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को उससे घाटा नहीं होगा, बल्कि आप लोग हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि बच्चों की स्टडी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि ये सारा साल बिजनेस चलता रहता है और इसके अंदर लॉस होने के जो चांस है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। इस वक्त सेम बच्चों की स्टडी से रिलेटेड एक बिजनेस है जिसे स्कूल बैग का बिजनेस भी आप कह सकते हैं। स्कूल बैग का बिजनेस बहुत शानदार बिजनेस है और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। आप देखें, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं डिफरेंट कलर के बैग्स वगैरह, डिफरेंट टाइप के बैग्स वगैरह, डिफरेंट टाइप के स्कूल बैग्स वगैरह आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त बिजनेस है, ठीक है, जो कि आप लोगों को बहुत जल्द बेनिफिट भी दे सकता है और बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रॉफिट भी दे सकता है। जो लोग ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है कि बिल्कुल अच्छा बिजनेस है, आप लोग बिल्कुल बिला फिक्र होकर ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों के बैग्स का बिजनेस, खासतौर पर वो बिजनेस जिसके अंदर बच्चों की स्टडी इन्वॉल्व होती है, वो बिल्कुल जरूरी है। चाहे कोई गरीब तबका हो, चाहे कोई अमीर तबका हो, चाहे कोई दरमियाने लेवल का तबका हो, उनके जितने भी बच्चे हैं उन लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही भेजना है, ठीक है, और उसके लिए हर स्कूल की रिक्वायरमेंट्स बैग्स है ही है। अगर आप लोग इस बैग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा फायदे के अंदर ही रहेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम लिंक्स मौजूद है, आप लोग कहाँ से बैग बाय कर सकते हैं, आपको होलसेल रेट के ऊपर जनाब बैग जो है मिल जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को शॉप वगैरह की भी जरूरत नहीं है कि आप लोगों को शॉप ही चाहिए, आप लोग शॉप के बगैर भी ये काम कर सकते हैं। आप लोग एक किसी रेडी के ऊपर भी इस चीज को फरोख कर सकते हैं या किसी एक जगह के ऊपर आप लोग अपना ठेला लगा के उसके ऊपर भी आप लोग सिर्फ बैग्स वगैरह लगा के इनको सेल कर सकते हैं। डिफरेंट डिजाइन के, डिफरेंट टाइप के शेप्स के इस वक्त बैग्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं। आप लोग जिसके अंदर खासतौर पर बच्चों के, जिस तरह आप देखें बच्चों के खिलौने बने होते हैं, डोरेमोन बना होता है या स्पाइडरमैन वगैरह बने होते हैं, इस तरह के बैग आप लोग बिल्कुल इस तरह के बैग आप लेके आ सकते हैं होलसेल रेट के ऊपर और आगे जाके आप लोगों ने परचून के अंदर जाके सेल करने हैं। एक बैग जो है वो कम से कम 300 रुपए से नीचे आप लोग बिल्कुल सेल नहीं करेंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि 300 तो बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है और ये तमाम बैग आपको मिलेंगे होलसेल रेट के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग जनाब ये बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला बिजनेस है। क्योंकि बच्चों का स्कूल का जो बिजनेस है वो हमेशा बेनिफिट के अंदर ही रहता है। बच्चों को स्कूल के लिए बैग भी चाहिए, बच्चों को स्टेशनरी के लिए स्टेशनरी वगैरह भी चाहिए। ये तमाम चीजें अगर आप लोग अपनी शॉप के ऊपर रखते हैं या इस तरह का बिजनेस कोई भी आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आप इस बिजनेस के अंदर बहुत जल्द ऊपर जाएंगे। मेरे पास ऐसी एग्जाम्पल भी मौजूद है जिन लोगों ने बच्चों का बिजनेस स्टार्ट किया था, खासतौर पर स्कूल वाला बिजनेस, यानी कि स्टेशनरी वगैरह, कॉपीज, किताबें, बॉल पेंस वगैरह या बच्चों के स्कूल बैग वगैरह, और आज उन लोगों की अपनी शॉप्स हैं, आज उन लोगों की अपनी जनाब जायदाद है, अपनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा होता है और खासतौर पर अगर आप लोग किसी स्कूल के साथ डील कर लेते हैं तो फिर आपका मार्जिन जो है वो 70 से 80% तक भी हो जाता है। इसके अलावा बच्चों के बैग्स के अलावा दूसरे बैग्स भी, फॉर एग्जांपल हैंड कैरी हो गया, जो लोग बाहर जाते हैं उनको बैग्स वगैरह की जरूरत होती है, आप बिल्कुल जनाब इन बच्चों के बैग के साथ साथ उनके बैग भी आप लोग रख सकते हैं फॉर सेल के लिए, और आप देखेंगे कि आप लोगों को इसके अंदर से बहुत ज्यादा जनाब मार्जिन मिलता है, बहुत ज्यादा मार्जिन मिलता है। इसके लिए आप लोगों को कुछ ज्यादा बड़ी दुकान की जरूरत भी नहीं है, आप लोग बिल्कुल कि ये छोटी सी जगह के ऊपर भी ये स्टॉल लगा सकते हैं या जहाँ पे आप देखें लोगों का रश है, जहाँ पे लोग आते जाते हैं वहां पे आप लोग अपना स्टॉल लगा सकते हैं और इस तरह के बैग जो हैं आप लोग होलसेल के ऊपर लेके आप लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है, और आप लोग देखेंगे कि आपको इस कारोबार से बहुत ज्यादा आमदनी जो है वो डेली बेसिस के ऊपर आएगी। लाहौरी अप 2020 साथ जुड़े हैं, लाहौरी अप 2020 आपके सामने इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जितनी भी है बिजनेस के रिलेटेड जितने भी आइडियाज है लेके आता रहेगा, ताकि आप दोस्त अब आप जनाब अपना ओन बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।